कलमुही, चरित्रहीन, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, तूने समाज को गंदा कर दिया है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। शादी किसी और से, गुलछर्रे किसी और से। बड़ी सती सावित्री बनी फिर रही है, आज तो हम तेरा मुंह काला करके रहेंगे। हाँ हाँ, सही कहा, कलीरे लटकाने से कोई संस्कार ही नहीं हो जाता, इसका तो आज हम मुंह काला करके रहेंगे। अरे ऐसे कैसे मुंह काला कर दोगी, अभी तो हीरो की एंट्री होना बाकी है। लो, नाम लिया और हीरो हाजिर। देखा, मीरा को महिला मोर्चा लेके जा रहा है क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा है कि मीरा ने कुछ बहुत गलत काम किया है जो छोटे शहरों में इनफैक्ट कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं होता कि लड़की शादी से पहले कुछ और करे। तब वो सब कुछ दिख गया है, तो इस वजह से मीरा पे काफ़ी ब्लेम्स आ रहे हैं और महिला मोर्चा आके उसको घसीट के लेके जा रहा है, उसका मुँह काला करा रहा है। भाई, मीरा पर जब भी मुसीबत आती है उनके हीरो विवान सही समय पर उन्हें मुश्किल से निकालने पहुंच भी जाते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये तमाम औरतें मिलकर मीरा के चरित्र पर उंगली उठा रही थी, लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती पहुंच गए विवान। कोई तो बचा ही लेगा बेचारी मीरा, कोई ना किसी को तो तैरस आ ही जाएगा। कहीं ना कहीं विवान भी मीरा पर हो रहे इन अत्याचारों के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। भाई आखिरकार ये परेशानियाँ इनकी आशिकी के लाइव वीडियो देखने के बाद ही तो आई है। अब महिला मोर्चा वालों को और चाहिए भी क्या, इस वीडियो के जरिए मिल गया उन्हें मौका बवाल करने का। जी मुँह काला नहीं नहीं, होने नहीं दूंगी। वैसे दुल्हन के गेटअप पे इस भारी भरकम लहंगे के साथ ये सारा शूट करना मीरा के लिए आसान नहीं था, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस खुद ही सुन लीजिए। सर एक्शन बोलते से पहले उन्होंने कहा रिहर्सल, तो उसी में मैं गिर गई, मेरे हाथ वाथ पे काफ़ी चोट लग गई और ऑलरेडी तबीयत खराब है, पर सीन तो करना है। हाँ एक्चुअली इस लहंगे का वेट मिनिमम 10 kg तो है ही, जिसको संभाल रखा है। वेलवेट का लहंगा है, इसके अंदर कैन कैन है, ऊपर से दुपट्टा, ये सब जो करके भागना पड़ता है, और मेरे कानों की जो वाट लगी हुई है इसमें बहुत मुश्किल है। अजी वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छा ही होता है। भले ही आपका रिश्ता सुमेर से टूट गया, लेकिन अब आपके इन कलीरों पर लिखा जाएगा विवान का नाम, और फिर शुरू होगी मीरा और विवान की कलीरों में उलझी लव स्टोरी। आकिब खान, मुंबई आज तक।